हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आज फाइनली आप सबका प्यार और ब्लेसिंग कारण से मेरा फेसबुक पेज में 10K फॉलोवर कंप्लीट हो गया। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा 10K फॉलोवर तक भी पहुँचेगा बोल के, और मैं सोचा कि मेरा खुशी को भी आप सबका सामने शेयर करेगा बोल के। वैसे फॉलोवर तो एक नाम का फॉलोवर होते हैं, स्पेशली प्यार और ब्लेसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, जो कि आप सबने मुझे बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग दिया है। और मैंने देखा है कि मेरा यहाँ में मेरा लेवल का बहुत सारा दोस्त लोग मुझे फॉलो किया, और स्पेशली मम्मी पापा लोग बहुत सारा मुझे फॉलो किया। कोई मुझे मेरा टैलेंट को देख के फॉलो किया है, कोई मुझे मेरा हम्बलनेस को देख के फॉलो किया है। सब लोग अलग अलग करके मुझे फॉलो किया है। थैंक यू सो मच, और आप सबको मेरा दिल से मैं अप्रिशिएट करता है। और मैं मेरा फॉलोवर को मैं फॉलोवर का रूप में नहीं देख रहा, एक्चुअली मैं आप सबको मेरा फैमिली का रूप में देख रहा। मेरा यहाँ में एक दो फॉलोवर आने से भी एक्चुअली मैं उसको फॉलोवर रूप में नहीं देखता, मैं उसको अपना फैमिली का रूप में देखता। और मैं जब तक जिंदा है मुझे आप सबका प्यार और ब्लेसिंग का हमेशा जरूरी होगा। सो मुझे छोड़ के कभी कहीं मत जाना, हमेशा फैमिली बन के साथ में देना। भगवान और पब्लिक का बिना मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं। और मेरा मानना ये है कि जब आप ऐसे वैसे वीडियो बना देते हैं, उसका बाद आपका 10, 20, 30 के ऐसे करके फॉलोवर आते हैं, तो वो आपका फॉलोवर होते हैं, वो आपको इतना आपका वीडियो को इतना नहीं भी देखेगा। लेकिन जब आप मेहनत करके एक अच्छा काम करते हैं, तो आपका एक फॉलोवर भी आने से वो एक्चुअली फॉलोवर नहीं होता है, वो आपका ब्लेसिंग होता है। वो आदमी आपको हमेशा आपका वीडियो को विजिट करके हमेशा आपको देखेगा, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको हमेशा वो सपोर्ट करेगा। जो कि मैंने देखा है कि मेरा यहाँ में बहुत सारा मम्मी पापा लोग मुझे दिल से ब्लेसिंग देते हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, और मेरा हर वीडियो को देखते हैं, और साथ ही साथ हमेशा पॉजिटिव मैसेज का साथ में मुझे बहुत अच्छा से एडवाइस देते हैं। और मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाते हैं, मैं आप सबको अपना फैमिली जैसे मानते हैं, तो मैं आप सबका मैसेज को हर एक मैसेज को देखते हैं, बहुत ही सारा मैसेज होता है, मैं हर किसी का मैसेज को ढूंढ के देखते हैं, और मैसेज का द्वारा से भी मैं वीडियो बना देते हैं। और कोई कोई लोग आपको गिराने के लिए आपको हमेशा गलत वे में समझाएगा, भले ही वो हंसी मजाक करके आपको समझा रहे, लेकिन वो हमेशा आपको गलत वे में समझाएगा। ऐसे वाला को आप हमेशा दूर रहना, और मैं भी हमेशा ऐसे वाला को दूर रहता, क्योंकि मेरा सर अभी ऐसे वाला बहुत सारा आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे वाला को हमेशा दूर रहता। मैं तो यही सोचता है कि मैं जब तक जिंदा है, भले ही पैसा ऐसे नहीं होने सके, मैं हमेशा अच्छा आदमी बन के रहेगा, और आप सभी हमेशा अच्छा आदमी बन के रहो, और कभी नेगेटिव वे में कभी मत ले जाना, हमेशा पॉजिटिव वे में ले जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।